तो ये सब प्यारी सुंदर ने किया। अरे आओ बेटा आओ, क्या खबर लाए हो? तुमने हमारी जात को पवित्र कर दिया, हमें विनाश पर ला दिया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और आपने तो हमारी जाति की रक्षा की, समुदाय से मेरा बहिष्कार किया, उसने से मेरी पीठ थपथपाई। तो मैंने आपका इसमें क्या बिगाड़ा था? आपने मेरा क्या बिगाड़ा? मेरा भी आपसे एक प्रश्न, मेरी बेटी, मेरी इकलौती संतान ने आपके पिताजी का क्या बिगाड़ा था? आपने कभी सुना नहीं होगा, नहीं तो आज सुनिए। और जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसमें बहुत हास्य है, तो ज्यादा उत्तेजित ना होइए, आइए बैठिए इधर। जब मेरा दामाद नवाकांत मेरी बेटी के गहने चुराकर इंग्लैंड भाग गया था, आप बहुत छोटे थे, लेकिन आपको यह जरूर पता होगा कि 5 वर्ष बाद वो दोबारा लौटा था बैरिस्टर बनकर। तब आपके पिताजी समुदाय के मुखिया थे, और मुखिया होने का दम भरते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं अपनी बेटी को अपने दामाद के घर वापस भेजूं तो मुझे उसे त्याग देना होगा, उसे यह अनुमति कभी नहीं देनी होगी कि वो मेरी दहलीज पार कर सके। मैं तुम्हारे पिताजी के पैरों में गिर गया, मैं गिड़गिड़ाया, मैं रोया कि मुझे एक बार बचा लीजिए, मैं लड़के को गोबर निकलवाऊंगा, उसे प्राश्चितम समारोह से गुजारूंगा। लेकिन तुम्हारे पिताजी ने मेरी एक ना सुनी, अपनी जिद पर अड़े रहे और हमें जात से निकाल दिया। आखिरकार मुझे अपने रिश्तेदारों को लेकर कलकत्ता जाना पड़ा, लेकिन वहां भी मेरी परेशानियों का अंत नहीं हुआ। जब मैंने अपने भतीजे की शादी की सारी तैयारियां कर ली थी, तो आपके पिताजी ने लड़की वालों को भड़का कर मेरे भतीजे की शादी भी तोड़वा दी। तब मैंने प्रण लिया कि अगर मेरी रगों में ब्राह्मण रक्त की एक भी बूंद बाकी है तो मैं अपना बदला जरूर लूंगा। अब आपको कुछ कुछ समझ आता होगा इन बातों, लेकिन अभी तो रुकिए, अभी मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा, बहुत मजा आएगा, ये बहुत दिलचस्प है, तो जरा धैर्य रखिए। तो हेमंत बाबू, जब आप कॉलेज में थे तो श्रीपति बीरदास चटर्जी के घर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था कुसुम। वो एक बाल विधवा कायस्थ कन्या थी, लेकिन उसके नयन नक्श बहुत सुंदर थे। एक दिन बीरदास जी मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आप और कुसुम अक्सर एक दूसरे को छत से देखा करते हैं, और आप तो कॉलेज से अनुपस्थित होकर छत पर किताब लेकर बैठ जाया करते हैं। बेचारे बड़े चिंतित थे, उन्होंने मुझसे सलाह मांगी, तो मैंने कहा कि चाचा आप बहुत दिन से बनारस तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते थे, आप चले जाइए और लड़की की चिंता मेरे जिम्मे छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। तो वो चले गए। फिर मैंने कुसुम को बीरदास जी के डेरे में रखा। आगे तो आप जानते हैं। क्या कुसुम को इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं थी? अब बेटा ये कहना तो थोड़ा मुश्किल, तुम तो महिलाओं के दिमाग को जानते ही, जब वे हाँ कहती हैं उसका मतलब ना होता है, जब वे ना कहती हैं उसका मतलब हाँ होता है। पहले तो नए घर में जाने के बाद तुम्हें ना देख पाने पर लगभग पागल सी हो गई थी, और आपको भी पता नहीं डेरे का पता कहां से मिल गया था। आप कॉलेज निकलते लेकिन वहां का रास्ता भूलकर आप सीधे बीरदास जी के डेरे के बाहर दिखाई पड़ते, आपकी नजरें खिड़कियों पर टिकी रहती जैसे पता नहीं क्या खोज रहे। भाई मुझे तो ये सब देखकर आप दोनों के लिए बड़ा ही खेद महसूस हुआ, इसलिए मैंने कुसुम को एक दिन अपने पास बुलाया और कहा, बेटा देखो मैं तो एक बूढ़ा आदमी, तुम्हें मेरी उपस्थिति में कुछ विनम्रता महसूस करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं तुम दिल से किसे चाहते हो, और लड़के की हालत भी निराशाजनक है। काश मैं तुम्हारा मिलन कर पाता। ऐसा हो सकता है क्या चाचा जी? बेटा ऐसा हो तो सकता है। देखो मैं तुम्हें ब्राह्मण युवती के रूप में पेश करूंगा, क्या वो लोग मुझे स्वीकारेंगे?
अरे बेटा, लड़का तो तुम्हारे लिए पागल हो गया है, और वैसे उसे इन सब उलझनों में डालकर क्या फायदा। और देखो, अंत भला तो सब भला, तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल। मुझे नहीं पता इसमें कुसुम की सहमति थी या नहीं थी, कभी वो बहुत चुप रहती और अगर मैं बोलता चलो बेटा इसे छोड़ देते तो बहुत बेचैन हो जाती। फिर एक दिन मैंने बीपर दास जी को तुम्हारे घर रिश्ता लेकर भेजा। भाई तुम तो इतने खुश हो गए कि तुमने झटपट हाँ कर दी और ऐसे करके सब कुछ तय हो गया। लेकिन शादी से एक दिन पहले मुझे कुसुम को लाने में सबसे ज्यादा कठिनाई हुई। वो अपनी जिद पर अड़ी रही कि चाचा इसे छोड़ देते हैं, चाचा इसे छोड़ देते हैं, चाचा इसे छोड़ देते हैं, चाचा इसे छोड़ देते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम एकदम बेवकूफ बच्चे, जब सब कुछ तय हो गया है तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? आप ऐसा करिए, अफवाह फैला दीजिए कि मैं मर गई हूँ और मुझे कहीं दूर भेज दीजिए। हाँ, ये सही रहेगा। और इससे उस युवक का क्या होगा जो आज खुशी के सातवें आसमान पर है, जिसे लगता है इतने लंबे समय से चली आ रही इच्छा आज उसकी पूरी हो रही। मैं उसे तुम्हारी मृत्यु की खबर भेजूं? फिर ऐसा होगा बेटा कि उसके मृत्यु की खबर मुझे तुम्हें लाकर सुनानी पड़ेगी। और तुम्हारा हाल देखने के बाद इतना तो मैं समझ गया कि फिर सचमुच तुम्हारी मृत्यु का संवाद मुझ तक है। और तुम्हें क्या लगता है इस उम्र में मैं कन्या हत्या की सक्षम हूं? ऐसे कर मैंने उसे मना ही दिया। अंत में सबने शादी का धूमधाम से जश्न मनाया। आगे तो आप भली भाली जानते हैं। आप ये बात अब बता रहे हैं जब सब कुछ खत्म हो गया? जब मुझे पता चला कि आपने अपनी बहन की शादी की सारी तैयारियां कर ली, तब मैंने खुद से कहा कि मैंने एक ब्राह्मण जाति को अपमानित किया है, लेकिन वो सिर्फ एक भावना से किया वो कर्तव्य था। आज एक और ब्राह्मण जाति खतरे में है और इसे रोकना मेरा स्पष्ट कर्तव्य था। इसलिए मैंने उन्हें पत्र लिखा और कहा कि मैं ये साबित करने की स्थिति में हूं कि आपने एक शूद्र की बेटी को अपनी पत्नी बना लिया है। और अब उस लड़की का क्या होगा जिसे मैं छोड़ दूं? क्या आप उसे भोजन और आश्रय देंगे? देखो, मैंने वही किया जो मुझे करना था, और वैसे भी दूसरे लोगों की त्यागी हुई पत्नियों को आश्रय देना मेरे कर्तव्य का हिस्सा। अरे देखो भाई, मैं तो भूल ही गया। अरे भाई कोई है? जरा हेमंत बाबू के लिए नारियल वाला दूध लेकर आइए। हेमंत बाबू पान खाएंगे?